जाहिद भाई, ये डायनेटिक्स क्या चीज़ होती है? डायनेटिक्स एक नई साइंस है, और साइंस ये है कि आदमी के दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कि दरियाफ्त किया गया है डायनेटिक्स में, जिसमें सब कचरा भरा हुआ है और नफ़ी की चीज़ें हैं जो कि आदमी को परेशान करती हैं, उसको गुस्सा दिलाती हैं, उसको मायूसी दिलाती हैं, उसको दिलाती हैं बुरे किस्म के एहसास, और वो परेशान होता है इससे। और डायनेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसने ये इसने डिस्कवर किया कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और उसको दो आदमी रखे बैठ करके उसको सीख के एक दूसरे के साथ मशवरा करके उसका एक सेशन लें, और वो एक दूसरे के ये गलत दिमाग जो है, जो कि इंसान का अपना दिमाग नहीं है, बाहर से घुस गया, उसको निकाल के बाहर निकालें ताकि अपनी मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाए और आपकी याददाश्त ठीक हो जाए और आप हर किस्म का काम जो है 10 गुना बेहतर कर सकें। ये डायनेटिक्स। तो बाहर से घुस गया, कोई जिन में ना आ गया? जिन में तो नहीं है, जिस वक्त आदमी परेशान होता है और ये उसको ठोकर लगती है या उसको बीमारी होती है तो उसकी जहनीत जो है, रोशनाई जो है जहन की, वो कम हो जाती है। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं अवेयरनेस। तो जब वो कम हो जाती है तो वो देखता नहीं है कि क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं जो कि उसके दिमाग में घुस रही हैं, जो कि उसके ख्याल नहीं है। तो वो जो बाहर के ख्याल हैं वो उसको चलते नहीं है उसके साथ, क्योंकि माहौल के माहौल जो है वो, हाँ माहौल जो सारा माहौल उसके अंदर घुस गया तो उसकी इंसानियत तो गई ना। तो उसको चाहिए कि माहौल को अलग करे और अपने आप को साफ़ करे, अपना जहन खुद ही रखे, तो वो डायनेटिक्स करती है। थैंक यू, वेलकम।